नमस्कार दोस्तों जिस न्यूक्लियर विस्फोट से बड़े बड़े शहरों को मिट्टी में मिला दिया जाता है क्या उसी न्यूक्लियर एनर्जी से किसी आग को बुझाया भी जा सकता है क्यों अलग अलग देशों से फाइटर जेट को खरीदना भारत के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं न्यूक्लियर विस्फोट से तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है लेकिन क्या इस न्यूक्लियर एनर्जी को फायर एक्सटेंगूशर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यानी इससे तेज जलती हुई अनकंट्रोल्ड आग को भी बुझाया जा सकता है सोवियत यूनियन की माने तो हां ऐसा हो सकता है उन्होंने ऐसा करके दिखाया है सोवियत यूनियन जिसके आगे चलकर कई टुकड़े हो गए और जिसमें सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा टुकड़ा सर्दी पड़ती है इसी कारण उन्हें अपने घरों को गर्म रखने व इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए नेचुरल गैस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है नेचुरल गैस को जमीन में काफी गहराई तक ड्रिल करके पाइप्स के माध्यम से निकाला जाता है उज्बेकिस्तान के अर्टा बुलक एरिया में एक दिसंबर 1963 को इसी तरह के नेचुरल गैस के एक कुएं, जिसको वेल नंबर 11 बोला जाता था इसमें आग लग गई जरा सी लापरवाही से लगी इस आग ने देखते ही देखते एक भयानक रूप ले लिया वेल नंबर 11 की गहराई लगभग 2.5 किलोमीटर थी और इससे 300 सौ प्रेशर के साथ नेचुरल गैस बाहर आ रही थी इस कुएं से 120 मीटर ऊंची आग की लपटे निकल रही थी एक दिन में ही 12 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा की गैस बर्बाद हो रही थी जो एक बड़े शहर की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती थी इस कुएं की आग को बुझाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की गई कंक्रीट कैप लगाना हो या पानी का इस्तेमाल हो सभी कुछ फेल हो रहा था इस गैस को नाइन छोटे पाइप्स के माध्यम से फैलाया भी गया ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके लेकिन यह ट्रिक भी काम नहीं आई बल्कि इससे खतरनाक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और बनने लग गई इससे पूरे इलाके में एयर पॉइजनिंग हो सकती थी अगले काफी दिनों तक छोटे विस्फोटकों से भी कोशिश की गई अगले दो वर्षों तक ये कोशिशें जारी रही लेकिन 120 मीटर ऊंची लपटों वाली आग को नहीं बुझाया जा सका उसके बाद इस कुएं के साथ साथ दूसरे कुएं खोदकर उनमें हाई प्रेशर के साथ पानी डाला गया ताकि ये पानी नीचे से ही इस कुएं को शांत कर सके लेकिन यह ट्रिक भी फेल हो गई जब 1000 दिनों तक भी इस आग को नहीं बुझाया जा सका तो फाइनली न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई इसके लिए स्पेशली डिजाइन ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया गया इस नए बनाए जा रहे वेल में ठंडा किया हुआ कीचड़ डाला जाता था ताकि ज्यादा तापमान पर यह मेल्ट ना हो जाए काफी दूर एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया और वहां से इस नए वेल तक केबल्स को लगाया गया ताकि सेफ डिस्टेंस से न्यूक्लियर विस्फोट को ट्रिगर किया जा सके न्यूक्लियर मटेरियल को एक स्पेशल डिजाइन वाले कंटेनर में रखा गया ताकि इसे आसानी से जमीन में काफी नीचे तक पहुंचाया जा सके इस ताकतवर हथियार के साथ कंट्रोलिंग केबल्स को लगाया गया और इसे धीरे धीरे नए कुएं में नीचे सरकाया गया इसे जमीन में 1,500 मीटर की गहराई तक उतारा गया उसके बाद इस नए कुएं को कंक्रीट सीमेंट से भर दिया गया ताकि खतरनाक रेडियो एक्टिव मेटीरियल लीक होकर सरफेस तक ना आ सके पूरे इलाके को लोगों से खाली करवा दिया गया और सितंबर 1966 की सुबह इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को शुरू कर दिया गया एक जोरदार धमाका हुआ भी महसूस किया गया लेकिन सबसे खास बात यह हुई कि जेट इंजन की तरह तेज आवाज के साथ जल रही 120 मीटर ऊंची आग एक दिन बाद मात्र 23 सेकंड में बुझ गई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेचुरल गैस की अब तक बर्बाद हो चुकी थी लेकिन फाइनली इसे रोका जा सका हवा और जमीन पर खतरनाक न्यूक्लियर विस्फोट के बाद फैल सकने वाले रेडियो एक्टिव मेटीरियल की मौजूदगी चेक की गई लेकिन किस्मत से सब प्लान के अनुसार हुआ था और किसी तरह का रेडियो एक्टिव मेटीरियल नहीं फैला कुछ समय बाद इसी जगह पर नेचुरल गैस के लिए दोबारा वेल को ड्रिल किया जाने लगा और जल्दी ही नेचुरल गैस की सप्लाई शुरू हो गई इस ताकतवर अनकंट्रोल्ड फ्लेम को रोकने के लिए इससे भी ताकतवर चीज की आवश्यकता थी और यह काम सिर्फ एक न्यूक्लियर विस्फोट ही कर सकता था ऐसा पहली बार नहीं था जब सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर विस्फोट को किसी पीसफुल काम में इस्तेमाल किया हो उन्होंने इस तरह से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर विस्फोर्ट से एक लेक भी तैयार की थी इससे जुड़ी डिटेल्स आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले भाग में विश्वाजीत देव जी का सवाल है कि जब इंडियन एयरफोर्स को 400 से ज्यादा फाइटर जेट्स लेने हैं तो अलग अलग देशों से क्यों नहीं लेते हैं जैसे अठारह एस यू राफेल एक सौ इससे ये जेट्स जल्दी डिलीवर भी हो जाएंगे विश्वजीत जी ऐसा करने से हमें फाइटर जेट्स बहुत महंगे मिलेंगे और उनकी मेंटेनेंस तो किसी बुरे सपने जैसी हो जाएगी कैसे? देखिए हमने 36 राफेल लिए उनके लिए खास कंक्रीट बंकर्स बने पायलट्स और टेक्नीशियंस की पूरी ट्रेनिंग करवाई गई अगले पांच वर्षों तक के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को सुनिश्चित किया गया फिर भारत के एनवायरमेंट और रिक्वायरमेंट के अनुसार तेरा इंडिया स्पेसिफिक बदलाव करवाए इन सारे खर्चों को राफेल की कीमत में ही जोड़ दिया जाए तो जो राफेल 700 करोड़ का था उसकी कीमत 1200 करोड़ तक पहुंच गई उसके बाद इसमें भारत की रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग तरह की मिसाइलों की कीमत जोड़ी जाए तो लगभग 1600 करोड़ रुपए का एक राफेल हो गया अब अगर भारत 36 या 54 राफेल को अलग से और ऑर्डर करता है तो उनमें ना ही इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस की कीमत जुड़ेगी ना ट्रेनिंग या स्पेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट की ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी यानी अगर हम एम एम डील में राफेल को ही चुनते हैं तो हर राफेल की कीमत 800 या 900 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं रहेगी अब बात करते हैं अगर अलग अलग देशों से अलग अलग फाइटर जेट खरीदे जाए तो क्या होगा अगर हम एक ही तरह के फाइटर जेट्स के साथ नहीं रहते हैं और अलग अलग देशों से एस यू थर्टी आदि का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर से वही वन टाइम कॉस्ट इन सभी के साथ जुड़ेगी और ये सभी फाइटर जेट्स काफी महंगे मिलेंगे फिर इनकी मेंटेनेंस के लिए हमेशा अलग-अलग के फाइटर जेट की, की तरफ बढ़ रहा है यानी अमेरिकी एयरफोर्स अमेरिकी नेवी और मरीन के लिए एफ थर्टी फाइव को ही सामने रखा जा रहा है इससे ट्रेनिंग व मेंटेनेंस एक जैसी होने से काफी पैसा बचाया जा सकता है इसी कारण या तो भारत को कोस्ट सेविंग के लिए सिर्फ राफेल को ही दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए या सिर्फ स्वदेशी तौर पर बन रहे तेजस एम के टू और का दो इंजन वाले नेवल तेजस व एम का को सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे देश में ही बनेंगे इससे हमें कभी मेंटेनेंस या ट्रेनिंग की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार